69,000 शिक्षक भर्ती की 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी प्रकरण में सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने 19,000 पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर उसे दूर कर नियुक्ति की मांग उठाई है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित हुई। ऐसे में अभ्यर्थियों ने बैठकर सरकार से मांग की है कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन में इस भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित सूची को मूल चयन सूची के रूप में प्रकाशित कर कोर्ट में पेश करें। यह भी कहा है कि इसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, श्रेणी, उपश्रेणी और जन्मतिथि आदि का उल्लेख हो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में पिछड़ा दलित मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने आरक्षण में अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई है। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981, आरक्षण नियमावली 1994 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। प्रदेश के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ट्वीट कर न्याय दिलाने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है।